الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارك ایک معزز مہمان کی حیثیت سے امت مسلمہ میں فروکش ہوا اور یہ مہمان اپنے وقت پر روانہ بھی ہو گیا میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مہمان کا اکرام کرے اور اس کو خوش کرے اسے اس حال میں رخصت کرے کہ وہ خوش ہو کر جائے اس کی خدمت کی جائے اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اس مہمان نے آ کر ہم سے تقویٰ کا تقاضا کیا کہ روزوں کے ذریعے سے اپنی زندگی میں تقویٰ کو لاؤ تقویٰ کے معنی اللہ کا ڈر اللہ کے ڈر کا معنی اللہ کے سامنے جواب دینے کا خیال جیسے روزے میں ذرا کوئی چیز چکھ لی تو ہم دوڑتے ہیں مفتی صاحب بتائیے میرا روزہ رہا کہ گیا کتنا احتیاط کرتے ہیں کہ روزہ خراب نہ ہو جائے باقی رہے اتنی محنت کی ہے سحری کی ہے بھوکے پیاسے رہے ہیں تو یہ روزے کو آنچ نہ جائے اور کئی یہ روزہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے اور بھوک ہڑتال بن جائے اس لیے روزہ اپنی جگہ مستقل عبادت ہے اور اس کے ذریعے سے تقویٰ کا حصول بھی ہوتا ہے
लेकिन ये रोजा चंद और चीजों का भी तकाजा करता है। रोजा खराब ना हो जाए उसके लिए हम आंखों की हिफाजत करें। आंखों का रोजा है, गैर महरम से आंखों को बचाना, जबान का रोजा यह है कि गीबत है, चुगली है, कीना कपट की बात जबान से न कर। कान का रोजा यह है कि गीबत की और बुरी बात न सुनना। दिल दिमाग का रोजा यह है कि बुरे तसव्वुरात और गुनाह के ख्यालात का नाना। पेट का रोजा यह है कि रिस्क हलाल से सहरी, रिस्क हलाल से इफ्तार। अल्लाह के फजल से रमजान और मुबारक में इसका बड़ा एहतमाम करते हैं लोग। थूक के बारे में भी पूछते हैं कि निगल सकते हैं कि उगल सकते हैं। इतना ख्याल रखते हैं। अब जो मस्जिद में हम देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि रमजान आया था और चला गया, बैक टू नॉर्मल हो गए हम। रमजान से एक दिन पहले जो हमारा हाल था, रमजान के एक दिन के बाद मस्जिद में वो हाल नजर आना शुरू हो जाता है। ईद का चांद नजर आते ही हम लोग मस्जिद में चांद की तरह बन जाते हैं। इल्ला माशाल्लाह, जिन लोगों को नमाज की इबादतों की पहले से आदत है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लैलतुल मेहराज में वो पहले आते थे, इसी तरह आते हैं। लैलतुल बरात में भी अपने रूटीन के मुताबिक नमाज पढ़ के चले जाते हैं, और रमजान में भी अपने टाइम से आना जाना, इबादतों का जारी रखना। और रमजान के बाद भी रमजान जैसा ही उनका निजाम रहता है, वही इबादतें, वही पंचगाना नमाजें, गुनाहों से बचने का वही निजाम। ईद की खुशियों में हम सैर सपाटे में इतने खो जाते हैं कि फर्ज नमाज भी भूल जाते। कोई काकरिया में घूम रहा है तो कोई चौपाटी पे घूम रहा है। अरे भाई, ईद है, रमजानुल मुबारक में अभी इबादत की तो कर ली, अब क्या है? जो करना था रमजान में कर ले, आइंदा रमजान में देखेंगे। ईद की खुशी मनाने का हक किसको है, इस पर कभी गौर किए? अल्लाह का हुक्म है कि ईद के दिन खुश हो, इसलिए अल्लाह वाले खुश तो होते हैं लेकिन अंदर से रोते रहते हैं कि अल्लाह रात रमजान में रातों को जागे, दिन को इबादत की, इतना कुरान पढ़ा, इतना रोए धोए भूखे रहे, लेकिन ए अल्लाह तेरे यहां ये कबूल हुआ कि नहीं? कबूल हुआ तो वाकई ईद की खुशी है। हजरत मौलाना इयाज साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो जिंदगी रमजान जैसी गुजारेगा उसकी मौत ईद जैसी आएगी।
वो पूरी जिंदगी जो है रमजान की तरह गुजरना है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, तो एक महीना रमजान आया गया, हमारी पूरी लाइफ आखिरत में अल्लाह जो लाइफ देने वाले हैं उसके मुकाबले में एक दिन भी नहीं। तो वो फरमाते हैं, और दुनिया यौम, दुनिया की जिंदगी एक रोजा है, अल्लाह ताला के यहां जो एक दिन होगा आखिरत का एक दिन, एक हजार साल के बराबर है वहां का एक दिन, एक हजार साल, दूसरी किरात के अतबार से पचास हजार साल, खमसीन अल्फसना। लाइफ को आप देखें और बावर करें, और जो जिंदगी हमको मिली है तो एक दिन के बराबर भी नहीं आखिरत की जिंदगी होने पर, उसमें कैसे रहना चाहिए? रोजादार। रोजादार का मतलब हराम चीजों से बचना, गुनाहों से बचना, नाजायज चीजों से बचना, मनहियात से बचना, झूठ, चोरी, चुगली, गाली, बीड़ी, सीढ़ी सबसे बच। खराब आदतों को छोड़ो और अपने अंदर अच्छी आदत को पैदा करो। शेख शुरैम ने ईद उल फित्र के दिन एक खुतबा दिया था, उसमें उन्होंने तमहीदी बात कही। वो क्या है? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, हर एक को दुनिया से जाना है, तो ये दिन मदीना वालों के लिए इंतहाई गम का दिन था। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना तशरीफ लाना ये मदीने वालों के लिए इंतहाई खुशी का दिन था, तो आपका जाना इंतहाई गम का दिन था। सहाबे किराम का हाल बड़ा अजीब हो गया है, जारो कतार रो रहे हैं कोने में मस्जिद नबी के बैठकर, कुछ समझ में नहीं आता, और कुछ लोग हंगामा पसंद होते हैं, उन्होंने हंगामे शुरू कर दिए। मुनाफिक एकदम निकल आए कि अब इस्लाम की जरूरत नहीं, हुजूर चले गए। कुछ लोगों ने कहा हम बैतुल माल को अब जकात नहीं देंगे, उन्होंने जकात का इंकार किया। कुछ लोगों ने इस्लाम का इंकार किया, फितने खड़े हो गए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला वो तलवार लेके खड़े हो गए, खबरदार किसी ने कहा कि हुजूर की वफात हुई है सर कलम करूं, तो मुनाफिक तो हजरत उमर की तलवार से डरते थे, वो तो चुप हो गए। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला वो को अल्लाह ताला ने संभाला दे दिया। हजरत उस्मान गनी 10 दिन तक बोल ना सके। एक सहाबी खेत में अपने बाग में काम कर रहे थे, वहां सुना कि हुजूर तशरीफ ले गए। फरमाया अल्लाह मेरी आंखें ले ले, मुझे तो हुजूर के दीदार के लिए आंखें चाहिए थी, हुजूर नहीं रहे तो मुझे आंखों की जरूरत नहीं।
हाँ नमाज के वक्त मुझे बिनाई दे देना ताकि तेरा फरीज अदा कर लूं, फिर मुझे बिनाई की जरूरत नहीं। जब ये हंगामा और ये आलम सहाबे किराम का देखा तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला ने अवाली मदीना में थे, वहां से तशरीफ लाए, एकदम हुजूर के पास पहुंचे, चादर हटाई, पेशानी पर बोसा दिया और आसपास का मंजर देखा, सोगवारी का और गम का आलम देखा। और उसके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के तेवर देख, और उसके बाद बुलाया हजरत उमर को, उमर इब्ने कत्ताब आ जाओ यहां बैठ जाओ, मिंबर नबवी के पास बैठ जाओ। लेकिन वो अपने आपे में नहीं थे, वो चक्कर काट रहे थे, नहीं सुनी बात हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला। दूसरे सहाबे किराम जो गमगीन थे उन तमाम को जमा किया सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, और जमा करने के बाद कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिही रुसुल अफइम्माताओ कुतिलन कलब तुम अला आकाबिकुम वमैयन कलिब अला आकिबैहि फलन यदुर अल्लाह शैआ। ये आयत करीमा गज़वे उहुद के मौके पर नाजिल हो चुकी थी, लेकिन अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की नजर कुरान करीम पर इतनी है कि बर वक्त वह आयत निकाली, लगता था कि अभी उतरी, हालांकि अब तो वही के उतरने का सिलसिला सरकार के जाने के बाद तो मौकूफ हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, एक नबी ही तो थे, एक बशर थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया किराम आए, वो भी दुनिया से तशरीफ ले गए, तो क्या सरकार दुनिया से चले जाएंगे तो तुम क्या अपनी असल जहालत पर वापस लौट जाओगे, तो अल्लाह का क्या नुकसान करोगे, अपना नुकसान करोगे। चौकन्ना हो गए सहाबे के रम, हजरत उमर कहते हैं कि बैठ गया मैं आके और आयत ने मुझे खींच लिया, आंखें खुल गई कि नहीं हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला उन्होंने खुतबा दिया, उसमें फरमाया मन कान याबुद मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हुजूर जा चुके, उनकी इबादत खत्म हो चुकी। वमन कान याबुद अल्लाह फइन्न अल्लाह हुवा हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करने वाला हो उसको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा से और हमेशा रहेंगे। बात सबके समझ में आ गई, सब चौकन्ना हो गए, अपने अपने काम में लगे, गम तो अपनी जगह रहा लेकिन काम नहीं छूटा, नमाजें नहीं छूटी, दीन नहीं छूटा, अखलाक नहीं छूटे, सुन्नतें नहीं छूटी, और वो दीन की दावत नहीं छूटी,
वो जिहाद का मिशन नहीं छूटा। शेख शुरेम ने फरमाया जो रमजान की इबादत करता होगा, रमजान आए और हम इबादत करेंगे तो रमजान जा चुका है। जैसे जो इबादत हुजूर की करता था हुजूर जा चुके, इस तरह जो रमजान के नाम से इबादत करता था तो रमजान जा चुका। और जो अल्लाह की इबादत करता था उसको जानना चाहिए कि अल्लाह ताला पहले भी थे, अब भी और हमेशा रहेंगे, और उसके अहकाम भी हमेशा रहेंगे। लिहाजा नादानी है कि रमजान में खूब इबादत करके रमजान जाते ही ऐसे हो जाना जैसे कि था ही नहीं रमजान। जब शादी होती है किसी तो लोग आते हैं, वलीमा खाते हैं, लिफाफे देते हैं, सब हाथ धोकर रवाना हो जाते हैं, मुबारकबाद दे देते हैं, इतना काम कर ले, कवर दे दिया, मुबारकबाद दे दिया, खाना खा लिया, सिलसिला खत्म। लेकिन आ बनती है मियां बीवी, ये तो आने वाले आए खाके चले भी गए, लेकिन अब जो है नई जिंदगी जो शुरू करनी है मियां बीवी को शुरू करनी, न वो वलीमे पे खत्म होती है न लिफाफे पे खत्म होती। लिफाफे खत्म, वलीमे खत्म, काम शुरू, जिंदगी नहीं शुरू, आटे दाल का भाव मालूम हो जाए। चार दिन घूमने जाएंगे, पांचवें दिन बाजार की थैली बीवी पकड़ा देगी कि अब जाओ, हो गया घूम लिया, एक महीने का मजा उड़ा लिया, अब अपने को तो पूरी जिंदगी लेके चलना है। ये जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए, एक पहिया मर्द एक पहिया औरत है, अब ये दोनों को मिलकर चलाना है जिंदगी की गाड़ी। यहां से लाइफ शुरू होती है, खत्म नहीं होती। रमजान के अंदर आदमी के लिए रोजा रखना, इबादत करना बहुत आसान होता है। सब हिल रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं तो वो भी हिलता, ये भी पढ़ते, सब तरावी में खड़े हैं तो इसके लिए भी खड़े रहना आसान हो गया। अब खड़े रहकर बताओ जरा 20 रकात, जरा अब पढ़ के बताओ, पढ़ पाएंगे? नहीं, मौलाना तो एक माहौल होता है, सब यही कहते हैं, मौलाना तो एक माहौल होता है, सब खड़े हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खड़े होंगे। अब अगर 20 रकात आज पढ़ने का कहा जाए कि 17 रकात के बाद 20 रकात पढ़ने की है, तो उन जगहों में दर्द निकलेगा जहां कभी दर्द नहीं हुआ। और उस जमाने में तो दौड़ दौड़ के तरावी पढ़ ली, कितना अल्लाह का करम है, माहौल का कितना अच्छा असर होता है। लेकिन अब अपने आप को स्टेबल करना असल है। जैसे हाफिज कुरान, हिफ्ज करना आसान है, क्यों? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, याद करना आसान है, पढ़ना आसान है। लेकिन याद हो जाने के बाद ये जो नेमत आ गई इसको अब बाकी रखकर कब्र तक ले जाना असल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोजाना दौड़ करना पड़ेगा, रोजाना पढ़ना पड़ेगा, जान जलानी पड़ेगी, मुजाहदा करना पड़ेगा, जतन करना पड़ेगा, तब जाकर के। माहौल था तो पंच वक्ता नमाजें आसानी से पढ़ी जा रही थी, अब माहौल नहीं है, मस्जिद को आबाद करना है हमको।
नौजवानों को अपने मोबाइल के टाइम के अंदर कट ऑफ करना है। इतना कट ऑफ करो कि आपकी फर्ज सुन्नत नवाफिल सब नमाजें कंप्लीट हो जाए, मोबाइल हाथ में नहीं लेना है। जब आप मस्जिद से बाहर चले जाएं तब मोबाइल खोलें, वहां तक अल्लाह के घर में ना खोलें। मैंने ऐसे भी नौजवान देखे जो हर दो रकात पर जो है मैसेज छोड़ते हैं और मैसेज सुनते हैं। और हाफिज कुराने करीम पढ़ता रहता है और जब वो रुकू में जाने वाला होता है जब मोबाइल जेब में डालकर खड़ा हो जाता है। अरे भाई, कुरान के एक एक हर्फ को सुनना स्वाभाविक। मोबाइल तो जिंदगी भर देखना है, ये लम्हात कहां नसीब होंगे। ये जो घड़ियां अल्लाह के घर में गुजारने का वक्त है उसके अंदर मोबाइल को बालाए ताक रख दो, खोलो ही मत, इसका नाम ही मत लो। अपना टाइम जो है निकालो, और टाइम नौजवान खास तौर से अपना टाइम रखें कि भाई इतने टाइम के अंदर जैसे मैं पंज वक्ता नमाजों में नहीं खोलूंगा मोबाइल, और घर जाके ईशा के बाद दिन भर की जो चीजें हैं उसके लिए मोबाइल की जरूरत पड़ी तो खोल लूंगा, देख लूंगा, जरूरत के मुताबिक मैसेज करूंगा, जवाब दूंगा। या नमाज के औकात नहीं है और किसी का कॉल आ रहा है और करना है तो करूंगा, जवाब दूंगा, लेकिन मस्जिद में अल्लाह के वास्ते इसको बंद करो। ये कहने की नौबत ही इमाम साहब को नहीं आनी चाहिए कि अपनी मोबाइल बंद रखें। मैं ये पूछता हूं आपसे कि मोबाइल अभी 25 साल की पैदाइश है, 25 साल का हुआ है मोबाइल, कितना मस्टंडा हो गया और हम दुबले हो गए, सब खा गया, ये मोटा होता जा रहा है, कैलेंडर खा गया, कैलकुलेटर खा गया, घड़ी खा गया, रेडियो खा गया, टेप रिकॉर्ड खा गया, रिश्ते खा गया, ताल्लुकात खा गया, वक्त खा गया, इबादतें खा गया, ये मोटा होता जा रहा है और हमारी सब चीजें हड़प करता जा रहा है। इसलिए उसके अंदर लिमिट लगा दो कि अल्लाह के घर में अब नमाज ना तिलावत करने बैठे तो फिर मोबाइल शुरू हो जाएगा फौरन। किसका है? तो वाइफ का। मैंने कहा वाइफ नहीं है, नाइफ है, तेरे को काट डालेगी। एक मिसाल और देकर एक ही मिनट रह गई। इज्तिमा जब खत्म होता है तो पूछा जाता है लोगों से कैसा रहा इज्तिमा, कहते बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, खाना भी बहुत अच्छा रहा और सब बहुत सर्विस भी मिली और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। खत्म हो गया तो खत्म हो गया। इज्तिमा जब खत्म होता है तो इज्तिमा का जो पैगाम 3 दिन तक बुजुर्गों ने दिया है उसको पूरी जिंदगी में चलाना है। ये काम शुरू अब रमजान में पैगाम तकवा मिला है और वो जो जखीरा तकवा का हमें मिला है उसको दूसरी रमजान तक चलाना है। अब हमारा साल कैसा गुजरेगा? मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसा हमारा रमजान गुजरा ऐसा हमारा साल गुजरे। रमजान अगर सीरियसली और सही तरीके से गुजरा तो इंशाअल्लाह पूरा साल भी ताआत और इबादात के साथ गुजरेगा। रमजान को मुंतशिर मत होने दो, उसके अंदर कुछ कर लो। और बड़ी नासिपासी और बदनसीबी है उस शख्स की जिसको अल्लाह ने इतना मुबारक महीना दिया और वो मगफिरत न करा सका। ये मजमून हदीस से मुस्तंबत हुआ है। वक्त खत्म हो गया, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये तो हजरत मुफ्ती ताहिर साहब का वक्त था।
उन्होंने फराख दिली से काम लिया और मुझे जो है अपनी कुर्सी सौंपी। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।